गाइस, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि ट्रैकिंग जाते रहोगे, माउंटेन्स में जाते रहोगे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। कुछ लोग उसको एज अ हेल्थ वर्कआउट जैसे देखते हैं, मज़ा भी आता है वो सब कुछ करने के लिए। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनरीज के आसपास रहते हो, अच्छे अच्छे फॉरेस्ट के आसपास रहते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन जंगलों में आप एकदम सवेरे सवेरे सुबह सुबह एकदम आप जा रहे हो, एकदम घूमने के लिए जा रहे हो, एकदम लेकिन अपने मन को शांत करने जा रहे हो, वहाँ पे आधी रात को क्या होता होगा? कभी आपने एक बार के लिए भी सोचा है कि यहाँ पे अगर कभी मैं अकेला रहूँ आधी रात में तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ रहती है जो मेरे अलावा भी यहाँ पे मौजूद है पर वो जिंदा नहीं है? एंड गाइस, केरला में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, अत्रापली नाम है उसका। एंड यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब कहानी है, जो अजीबोगरीब सुनने में लगती है, जब आप उसको लेकिन सुनोगे तो ये खौफनाक में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए तीन लोग गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन गाइस उन तीनों लोगों को वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ ने रोक लिया था जो कि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वो इस दुनिया से नहीं थी, किसी और दुनिया से थी, भूतों की दुनिया से थी, आत्माओं की दुनिया से थी। एंड गाइस, ये जो कहानी है ना, ये एकदम सुनने लायक है, आप इसको अंत तक सुनिए। एंड अगर आप ट्रैकिंग जाते हो फिर तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, आप सबको मेरे तरफ से एंड मेरी पूरी अमान पारकर टीम के तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये कहानी शुरू होती है। एंड गाइस, ये कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। एंड ये कहानी कुछ आज से 6-7 साल पहले घटी थी। सुहाना, राजीव और शिव नाम के कुछ तीन दोस्त थे जो कि कॉलेज में मिले थे, कॉलेज से लाइक बहुत अच्छे दोस्त थे एंड लाइक हमेशा इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनको भी जॉब लगना चालू हो गया था, ऑफ कोर्स घर के इतने प्रेशर, एंड उसके बाद जॉब लग गई एंड देन वही होता है जो कि हर एक ग्रुप के साथ होता है, सूना पड़ गया उनका ग्रुप, कोई भी एक दूसरे से मिलने ही नहीं लगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लाइक राजीव ने एक दिन अपने व्हाट्सअप के ग्रुप पर मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू दुबई, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दुबई में। फिर उस वक्त सुहाना और शिव ने सोचा कि लाइक आई गेस दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट कि हम लोग वापस से मिले, लेकिन मिल के कुछ नहीं होगा, ट्रैकिंग जाते हैं जैसे हम लोग हमेशा से जाते आए हैं। राजीव ने भी नॉड किया, उसने कहा कि चलो ठीक है जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? फिर सब ने मिल के डिसाइड किया कि केरला का अथरापल्ली ये एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक जाना जाता है फॉर द ट्रैकिंग, फॉर द ब्यूटिफुल सीनरीज, फॉर द वाटरफॉल। तो सबने सोचा कि वहाँ जाएंगे। और मेरा मानना है कि इस फॉरेस्ट में सोचना भी एक गलत चीज़ है जाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो जाने के लिए ना, आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जो कि काले सायों में अभी छुपी हुई है। जब आप वहाँ पे अपना पहला कदम रखोगे वो भी अपना पहला कदम रख देगी, और वो आपको कुछ देगी नहीं, सिर्फ आपसे लेगी, वो है ज़िंदगी, ये रहेगी उसकी कीमत। और यही चीज़ से वो लोग एकदम अनजान थे, उनको वहाँ का इतिहास ही नहीं पता था, एकदम इनोसेंट थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग गए केरला के अत्रापल्ली फॉरेस्ट में। वो लोग अभी उस फॉरेस्ट के करीब पहुँचे एंड सीरियसली उन्होंने एकदम सही सोचा था कि ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड गाइस, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के सीनरीज, वो लोग एकदम इन्जॉय करने लग गए थे अभी यहाँ पे, लाइक एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं। एंड वो लोग बस घूमते 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 हर जगह पर घूम रहे थे, उनको एकदम दूर ना एक वाटरफॉल दिखा भी। सब ने कहा, सुहाना, राजीव, शिव ने कहा कि चलो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे जाके देखते क्या। एंड गाइस, लिटरली ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ की अत्रापल्ली, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, एंड इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वो लोग गए उस वाटरफॉल के पास, वहाँ पे थोड़े नहाए, वो लोग ने फोटोज़ खींचे। एंड जब सुहाना, राजीव और शिव ने जब एक सेल्फी ली थी, तो उस वक्त ना जब सुहाना बहुत ध्यान से उस फोटो को देख रही थी, तो उसने देखा कि उसमें एक बच्चा है उस फोटो में। उसको बहुत लाइक वियर्ड सा लग रहा था, क्योंकि अभी उसके आसपास तो कोई था ही नहीं, बहुत कम लोग हैं आसपास। फिर उसने ये सारी चीज़ें ना अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई बच्चा हमें खास दिख नहीं रहा है। सुहाना को बहुत वियर्ड लगा। अब वो तीनों एक आखिरी बार उस वाटरफॉल में डुबकी मारने के लिए निकल गए, नहा लिए अच्छे से, बाहर निकल रहे थे लाइक सुहाना, शिव, वो लोग बाहर निकल गए, अपने कपड़े वगैरह पहनने लग गए। लेकिन जो राजीव है ना, वो भी ऑफकोर्स बाहर ही निकल रहा था, लेकिन उसको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा कि किसी ने तो उसको नीचे खींचा, उसको किसी ने तो पानी के तरफ खींचा नीचे।
राजीव ने नीचे की तरफ देखा तो नीचे की ओर कोई था नहीं। राजीव वापस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। लेकिन उसको लिटरली महसूस हो रही थी वाली चीज़। सुहाना और शिव ने बोला कि अरे तू बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर राजीव ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो मुझे नीचे खींच रहा है? फिर सुहाना और शिव ने उसे एकदम पकड़ के बाहर खींचा राजीव को, और वो बाहर आ गया उस वाटरफॉल से। लेकिन उसने बाहर निकल के भी यही बोला, मुझे लग रहा है पानी के अंदर कोई तो है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। अब जब राजीव ने योली बात शिव और सुहाना को जब बताई थी, तो उस वक्त वो दोनों भी बहुत ज़्यादा एकदम गहरे सोच में चले गए थे कि ऑफकोर्स राजीव हमारे साथ मजाक तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो। अभी वो लोग लाइक धीरे धीरे अपने कदमों से बाहर आ रहे थे उस जंगल से। एक्चुअली ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ रहे हैं जंगल से, लेकिन वो बाहर आ नहीं रहे थे। वो लोग कितनी भी कोशिश करते ना घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे थे ना, अब जो भी चीज़ें उनको एकदम खूबसूरत खूबसूरत दिख रही थी, नज़ारे दिख रहे थे, अब वो सपना बदल गए थे एक डरावने काले साए वाले जंगल में, क्योंकि धीरे धीरे करके अंधेरा भी हो रहा था। उन लोगों की सोच बस इतनी सी थी कि सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे, लेकिन अब देखते देखते वो जो शाम है ना, वो शाम अभी ऐसी करवट ले रही थी कि वो बहुत तेज़ी से अंधेरा होने लग रहा था वहाँ पे। है ना, अभी डर भी लग रहा था उन्हें वहाँ पे, क्योंकि अभी जानवरों के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है एक साए वाले जंगल में जिसे हमें डरना चाहिए, और ये उन तीनों में से किसी ना किसी को तो ऐसे मन में था ही। एंड राजीव को पता था सारा रास्ता वहाँ का कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो लोग एक ही जगह पे आ रहे थे। एंड गाइस अभी लाइक इतने टेंशन में फिर सुहाना ने, राजीव ने, शिव ने सबने अपने अपने फ़ोन चेक किए, तो उनको वहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क दिख रहा था, एक भी लाइन नहीं दिख रही थी, ज़ीरो नेटवर्क। ना वो किसी को कॉल कर सकते हैं, ना वो लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब उन सबको तो ऐसा लग ही रहा था कि उनको शायद से अपनी आज की रात यहीं पर बितानी होगी। अब राजीव को ही नहीं बल्कि अभी सुहाना और शिव को भी अब यही लगने लग गया था कि कुछ तो आसपास कुछ तो गलत है, क्योंकि जब अभी कुछ देर पहले तक इतने सारे लोग हमारे आसपास मंडरा रहे थे, घूम रहे थे, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा जंगल सूना पड़ चुका है। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम लोग सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, और हमको अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग बस कम वक्त यहाँ पे हम लोग ने गुजारा है, और लोग भी इतने तेज़ी से यहाँ से गायब हुए कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे देखा है, शायद किसी शैतान को देखा है, जो वो लोग इतने ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से निकल गए। कोई नहीं दिख रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। अब धीरे धीरे करके लाइक आसपास से एकदम अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग रही थी, हवाएं तो चल ही रही थी, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे सबसे ज़्यादा डरावने वो लग रहे थे। वहाँ से किसी की तो आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की नहीं, किसी इंसान, किसी आदमी की नहीं, पर एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी सुहाना को भी ऐसा लग रहा था कि शायद से कोई तो मेरे करीब आ रहा है, तो वो भागने लगी, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो वापस से उठी एंड वो चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पैर मुड़ चुका था। फिर तीनों ने एक जगह पे रुके वो लोग, एंड उन्होंने सोचा कि ये शायद से सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा सिर्फ महज एक वहम है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अब शाम नहीं, रात हो चुकी थी, एंड देखते देखते सुहाना भी अभी थोड़ा लाइक बेटर फील कर रही थी, उसके जो पैर में लगा था, नाउ शी वाज आल्सो फीलिंग कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, अभी हम लोग निकल सकते हैं, अंधेरा हुआ तो क्या, विल मैनेज। वो लोग निकले, अभी वापस उठे वो लोग, बाहर निकलने लगे, एंड फिर से वही आवाज़ें आने लग गई, हवाएं तेज़ चलने लग गई, वापस से वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक चीज़ अभी और ज़्यादा बदतर हो चुकी थी कि अब तक सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो बच्चा दिख भी रहा था आसपास, हर जगह घूम रहा था वो, उनके चारों ओर बस वो घूमे जा रहा है, कभी लेफ्ट में दिखता है तो कभी राइट में दिखता है। उसकी उम्र महज कुछ 6-7 साल की ही होगी, उससे ज़्यादा का नहीं लग रहा था वो। इन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से वो उन लोगों के सामने आ गया, सुहाना के एकदम सामने खड़ा था वो, फटे पुराने कपड़े पहने थे उसने, और उसके हाथ में एक फूल था। एंड उसने सुहाना को कहा कि दीदी आप ये मेरी बहन को दे दोगे? एक्चुअली उसने मुझसे मांगा था, पर मैं ऊपर पेड़ पर भी चढ़ा था इस फूल के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये टहनी टूटी और मैं नीचे गिर गया, तो उसके बाद से मैं अपनी बहन के करीब नहीं जा पाता हूँ, उसे ये वाला फूल दे नहीं पाता हूँ। इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए, आप उन्हें ये फूल दे दो अब। सुहाना अपना होश खो बैठी थी,
उसने जोर जोर का चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो बच्चा उसके सामने खड़ा नहीं था, वो गायब हो चुका था। उन तीनों को समझ में आ गया था ये और कोई नहीं बल्कि एक बच्चे की आत्मा थी जो कि इस घने से जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है। राजीव अभी मुड़ के जाने की भी कोशिश करने लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसको वही बच्चा वहीं पे दिखा हंसते हुए, और उसके हाथ में फूल थे। वापस उसने यही कहा कि ये वाला जो फूल है मेरी बहन को जाके दे दो। वो जहाँ पे भी मुड़ रहे थे, जहाँ पे भी देख रहे थे, उसको हर जगह पे वही बच्चा दिख रहा था। वो एक ही जगह पे अभी रुक गए सब लोग। वो जो बच्चा था उसने अभी एक तरफ इशारा किया कि यहाँ पे जाओ। वो लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है, एकदम मिट्टी के अंदर, एकदम पूरी फेडेड। फिर उनको समझ में आया कि शायद से ये जो हड्डी है ये इसी बच्चे की है, यहीं पे इस बच्चे को दफनाया गया था। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद उन तीनों ने माफ़ी मांगी कि उस वक्त शायद से आपकी मदद किसी ने ना की हो, लेकिन हम बाहर जाके ये वाली बात सबको बताएंगे कि ये जो हड्डियाँ है इसको सही इंसान के पास पहुँचाओ एंड इसकी अंतिम क्रिया अच्छे से करें, इसकी अस्थियों को लाइक अच्छी जगह पे, लाइक जो भी ट्रेडिशन होता है, जो भी क्रिया होती है वो प्रॉपरली किया जाए। लेकिन इसके बदले में, इसके रिप्लाई में उस बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी, यानी उसके प्रेजेंस भी एकदम धीरे धीरे करके एकदम फुल कम हो गई थी, अभी महसूस नहीं हो रहा था। अभी वो लोग अभी धीरे धीरे करके उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए, निकल गए थे वो लोग अपने अपने घर पे, सेफ थे वो लोग अभी। लेकिन गाइस ये जो फॉरेस्ट है ना केरला का, ये हॉन्टेड तो ज़रूर है। बहुत सारे हाइकर्स, बहुत सारे लाइक ट्रैकिंग करने जो भी आते हैं, वो लोग अक्सर ये वाली बात कहते हैं कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई तो एक बच्चा तो ज़रूर दिखता है। बच्चे की आंखें चमकती है, बच्चे का जो कद है, हाइट है, बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन वो यहीं पे भटकता हुआ दिखता है हमें। ऐसा लगता है कि वो कुछ तो मांग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि वो है कौन। इनफैक्ट गाइज इस जंगल में बहुत सारे मूवीज़, बहुत सारे सॉन्ग प्रमोशंस भी शूट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शूट हुई है, लेकिन सिर्फ दिन में, रात में नहीं, क्योंकि हर किसी को इसका इतिहास पता है। कोई भी यहाँ पे रात में जाना पसंद नहीं करता है, ना अगर कोई यहाँ पे रात में जाता है तो उसके साथ वही होता है जो कि आज इस वीडियो के कहानी में हुआ। एंड गाइस आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत बार होता है कि लोगों की जो मौत होती है वो किसी हादसे से होती है, एक्सीडेंट से होती है। एंड उस वक्त ना वहाँ पे कोई भी दूसरा शख्स मौजूद नहीं होता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उस शरीर को तो ऐसा लगता है कि शायद से मैं बच सकता था। उसकी जो ज़िंदगी जीने की जो इच्छा रहती है ना वो अधूरी रह जाती है, इसके लिए उसकी आत्मा फिर वहाँ पे भटकती है। एंड गाइस यही बात मैं आज आपको कहना चाहूँगा, अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखे कि अगर कोई इंसान एक अधमरी हालत में पड़ा हो, तो एम्बुलेंस को ना कॉल कीजिए इतना जल्दी, बट पहले जाके उसकी मदद कीजिए, उसे उठाइए, उसे होश में लाइए, क्योंकि जब तक आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे जब तक उसकी रूह निकल चुकी होगी। एटलीस्ट मदद कीजिए। हादसे हर जगह पे होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हादसे बताकर नहीं होते। गाइस ऐसे और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप ये वाला प्लेलिस्ट भी सुन सकते हो ओनली ऑन स्पॉटिफाई। शुक्रिया।